दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला सोलन में कोरोना को लेकर लगे नाइट कर्फ्यू व बाजारों को खोलने की समय सारणी के बारे में सोलन के व्यापारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। व्यापारियों ने सरकार द्वारा जारी निर्देशों का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही इसमें कुछ अन्य संशोधन करने की भी सलाह दी है। इसी को लेकर सोलन शहर के व्यापारियों ने कहा कि बाजारों के खुलने का समय सुबह 9 बजे की जगह 10 बजे करना चाहिए, जबकि शाम के समय 7 बजे के बजाय 6 बजे बंद होना चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि ऐसा करने से बाजारों में भीड़ कम होगी और कोरोना संक्रमण के फैलने में कुछ हद तक रोक लगेगी। जी हेलो, मैं पम्मी जिंदा स्टोर पम्मी। मेरा कोरोना के ऊपर एक विचार है कि जैसे हरियाणा में टाइम 6 बजे का है, पंजाब में टाइम 5 बजे का है, वैसे यहाँ भी टाइम 4-5 बजे कर दिया जाए तो बढ़िया है, क्योंकि इस समय कोरोना का केस बहुत बढ़ी जा रहे हैं। कोरोना कंट्रोल करने के लिए वैसे तो लॉकडाउन जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा तभी लोग अपने घरों में बैठेंगे और ठीक रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन से ही कोरोना कंट्रोल होगा। ना तो लोग मास्क लगाते हैं इतना, ना सैनिटाइजर यूज करते हैं, ठीक है जी। और इसलिए लॉकडाउन वैसे तो वो तो लगेगा जो मेरे हिसाब से, क्योंकि पंजाब ने टाइम भी कम कर दिया, हरियाणा ने भी कर दिया, और हिमाचल ने अभी 7 बजे का किया है, क्योंकि ये टाइम होना चाहिए 4 बजे का या 5 बजे का। 9-10 बजे मार्केट खुले, 4 या 5 बजे बंद हो जाए। जिस कस्टमर ने जो लेना है वो उसी समय में ले लेना है, क्योंकि लोगों को टाइम मिलता है, वो घूमते रहते हैं। इससे बढ़िया क्या है कि टाइम सिर्फ 4 बजे या 5 बजे हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा केस कोरोना के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। थैंक यू। ये जो सोलन में बंद का और 4 जिलों में करा है, मेरी सरकार से ये रहेगी कि 9 बजे की जगह बाजार 10 बजे खुलना चाहिए और शाम को 1 घंटा और कम करके 6 बजे तक खुलना चाहिए। इससे थोड़ा सा चहल पहल कम होगी, शाम के समय लोग समय से घर चले जाएंगे, उससे ये कोरोना को जो है ब्रेक मिल सकती है। और जो 2 दिन का लॉकडाउन रखा है, ये लॉकडाउन पूर्णतः लॉकडाउन होना चाहिए। इसमें सब्जी और जो फ्रूट या उनकी दुकानें सारे दिन की जगह इसको रिस्ट्रिक्ट 1 बजे तक या 2 बजे तक करना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर लॉकडाउन होना चाहिए। जो कर्फ्यू का समय है वो ठीक है, कर्फ्यू लगना चाहिए जो है इसमें, पर कर्फ्यू से 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने का कोई औचित्य नहीं है। 10 बजे के बाद कौन निकल रहा है, कौन सी भीड़ हो रही है, कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग का फ़र्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ लोग इससे परेशान हो रहे हैं 10 बजे के बाद, कर्फ्यू की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। मेरे विचार से ये है, शाम को जो लॉकडाउन है समय दुकानों का 10 बजे से लेकर और 6 बजे तक कर दिया जाए, ये ठीक है। और जो संडे और सैटरडे और संडे को बंद है, उसमें सब्जी और जो डेली नीड्स की दुकानें हैं वो 1 बजे तक ही होनी चाहिए, और 1 बजे के बाद पूरा लॉकडाउन हो, इससे कोरोना को बहुत ब्रेक मिलेगा। और समय की ये सरकार इस समय की जो मांग है वो यही है, मेरा सरकार से पुनः आग्रह रहेगा कि इस पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।